और सुभाष चंद्र की स्मृतियों को हम प्रणाम करते हैं। परसाई जी ने लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमने खून तो दिया, लेकिन पता नहीं नेताजी आज़ादी किसे देकर चले गए। हम व्यंगकार लोग भाई अरुण जेमनी और अनु सपन जी और पारासर जी और नयर भाई और किरण जोशी, मैं चाहता हूँ इन सब के लिए एक बार तालियां बजाइए। बीच में थोड़ा व्यवधान भी हुआ, आदरणीय मंत्री महोदय को लड्डुओं से तोला। कवि लोग तो इस गलत फहमी में थे कि आप सिर्फ हमें ही सुनने आए हो। हाँ नहीं मिलेंगे, ऐसे पहले दे देंगे तो हमें कौन सुनेगा। हम किसी की आलोचना नहीं करते, किसी राजनीतिक दल से और किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई सरोकार नहीं है। कवि लोग, व्यंगकार लोग समय की समीक्षा करते हैं, नहीं हमें कोई ऐसा था। समय की समीक्षा करते हैं, जैसा समाज में दिखता है कवि और शायर वैसा लिखता है। स्वागत स्वागत। वरना इस देश पर हमें भी उतना ही गर्व है जितना एक आम आदमी को। क्या बात, क्या बात है। और मंत्री महोदय, खुशी की बात है, पिछले 4-4.5 साल में इतना काम हुआ है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। और तालियां आपकी अब उठेंगी। वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। भाई अनु सपन जी की जब 5 महिलाएं आकर के सम्मान कर सकती हैं, तो मेरे लिए सीटी भी नहीं बजा सकती। और देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मातृशक्ति की उपस्थिति है, और इस तरह के आयोजनों में या कोई भी इस तरह का सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम हो तो महिलाओं की उपस्थिति रहनी चाहिए अधिकतम। वैसे भी अगर आप लोग शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। और अनु सपन जी के सामने कुछ टोका टाकी हुई, मैं आपको निवेदन कर दूं, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हांकते हुए कहा, पत्नी को मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी देख बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हमें व्यंग क्यों करने पड़ते हैं? प्रजातंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। मुझे भी कई परिचित मिले, बोले संपत सरल जी आजकल आप भी थोड़े लोकप्रिय होते जा रहे हो, किसी चौराहे पे आपकी भी एक मूर्ति खड़ी कर देते, कोई लाख रुपए का खर्चा आ जाए। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। ये तो संयोग की बात है, जाने दो भैया, कोई बात। ये तो वैसे भी धड़ल्ले से जा रहे हैं, मेरे टाइम तो कई लोग बंद मोबाइल कान के लगा के निकलते। बड़ा फोन वाला समझ गए ना, ये भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें। अब देखो, मध्य प्रदेश से ज्यादा तो करप्शन कौन समझता है। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, जबकि एक ही पोस्ट के लिए 7 लोग अंगेज कर दिए जाते हैं। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन 7वें की हुई। और तालियां आपकी अब बजेंगी, लेकिन 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अब तो आपको व्यापम समझ में आ गया होगा। भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश में बड़ी गहरी है। मुझे ध्यान है, एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा।
नालायक देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखा। अब वो जूनियर का जवाब सुनना, अंदाजा लगा ना कितना करप्शन है। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। तो ये करप्शन और ये सारे अलग विषय हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमने 68 साल में पहली बार एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री चुना। चक्रवात की तरह चक्कर काटते हैं, बवंडर की तरह उठते हैं। अभी तो और नाश्ता एक देश में, दोपहर का खाना दूसरे देश में, डिनर तीसरे देश में, नाइट स्टे चौथे देश में, और रात को नींद उचट जाए तो 5वें देश के लिए निकल लेते। अब भाई पिताजी रहे नहीं, माताजी बुजुर्ग है, पत्नी को साथ नहीं रखते, भाई बंधुओं को पड़ी क्या है, पूछे भी कौन की रोज रोज किस काम से जाते हो। जनता पूछती है तो टरका देते हैं, दोबारा पूछती है तो धमका देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर कांग्रेसी सरकार में पहली बार किसी आदमी को भारी बहुमत मिला है तो उसने अपने आप को कई देशों का प्रधानमंत्री मान लिया हो? मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो गए। क्या कहने जी, सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है पटेल की। आप थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ाओ, समझो, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। देवी देवताओं के नाम पे झगड़े चल रहे हैं, महापुरुषों के नाम पे लड़ा रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। फिर उन्हीं की पार्टी की एक प्रदेश की हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांधी का जब से नोटों पे चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष ने तो ये कहा कि गांधी एक चतुर बनिया है। हम महापुरुषों का कितना सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता का कितना सम्मान करते हैं, इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठी चार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया, और आज की विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने उस राजघाट के धरना प्रदर्शन में डांस किया। और व्यंग पर आपकी दाद मिलेगी, राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। अभी तो आपने देखा 3 स्टेट में बीजेपी और चुनाव दोनों शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। इतनी जड़े गहरी थी और ऐसे चाणक्य जैसे बड़े बड़े नेता हैं तो भक्तों को भरोसा ही नहीं हुआ कि अपन हार भी रहे। चैनल बदल बदल के देख रहे थे, शायद किसी चैनल पे जीत रहे हो, लेकिन तालियां आपकी अब उठेंगी। चैनल बदल बदल के देख रहे हो सकता है किसी चैनल पे जीत रहे हो, लेकिन जब जी न्यूज पर भी हार गए, तब लगा कि यार अब हार गए। हमें कह रहे हैं व्यंग मत लिखो, और 4 सालों से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं, रुपये की कीमत अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रही है, महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये जो इतना देशभक्ति का दावा करते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने बड़ी मार्के की बात की, आप ही के प्रदेश के थे, जबलपुर में रहते थे, देश के बड़े व्यंगकार,
बोलो देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ है, 47 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह। अरे वैसे भी चीजें बदल गई साहब, ये पाकिस्तान चाइना हमसे क्या खा करके लड़ेंगे। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से इस बार युद्ध हुआ तो आर पार की होगी, बासठ वाला हिंदुस्तान नहीं है, इस बार हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन देखो आप लोग भी एक आदमी को टारगेट कर रहे हो, इतना एक भला आदमी काम कर रहा है और कुछ नहीं तो उसकी डिग्री पे सवाल उठाती है, ये अच्छी बात है। उन्होंने ताली बजाई है, वही पढ़ी लिखी है, सिर्फ एक आदमी की डिग्री खड़ी है, डिग्री पे सवाल उड़ा दिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये देश की प्रतिष्ठा का मामला है। और वैसे भी साहब सैटेलाइट लॉन्च होकर के जब कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं। और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है, मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और अभी ये अरुण जेमनी कह रहे थे, बोलो क्यों यार, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। लेकिन चीजें तो बदलेंगी, ऐसा कुछ नहीं, इंडिया डिजिटल हुआ तो बहुत लाभ हुआ है। आप डिजिटल होने की वजह से आप 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, ये अलग बात है कि 59 करोड़ का लोन लेकर 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया, अभी मैं दवा खरीदने गया एक दिन, तबीयत खराब नहीं थी, डिस्काउंट चल रहा था, एक्सपायरी डेट की दवाइयां आधी कीमत में मिल रही थी। संयोग से उस दिन धनतेरस, देखियो बिजनेस कितना आसान हो गया, संयोग से उस दिन धनतेरस। दुकानदार बोला आज के दिन, मैंने कहा जी दो कारण है दवाई लेने के, तबियत खराब नहीं, एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा बाजार में आज के दिन आप ही गए सबसे कम भीड़ थी। तो बोला जी सही कह रहे हो, हम भी सोच रहे थे कि आज एक दिन के लिए हम भी दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके मेडिकल वाले सिंह साहब हैं, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाई बेच रहे। दरअसल हम बाजारवाद के दबाव में, क्या बात? व्यापारी लोग यहाँ बैठे होंगे, एक शब्द है बाजार, एक है बाजारवाद। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हम करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, आबे हो, पुतिन हो, और कोई से हो, जिनपिंग हो, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव वो करते हैं। दरअसल ऐसा है 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं, मैं गद्य पढ़ता हूं जैसा शरद जोशी जी, KP सक्सेना जी पढ़ते थे। लाइव सुनने का एक अलग आनंद है, आप जो जीवंतता है उसको उसमें शब्द बोलते हैं कवि के साथ, मेरा मैं भी लगता है कि हमें कोई जीवित व्यक्ति सुन रहा है। स्वागत की उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि ये कवि सम्मेलन करवाया और हजारों लोग अपने घरों से निकल करके यहाँ आए। जरूरी है इस तरह के समागम और सत्संग, क्योंकि आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। वाह वाह। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो टेलीविजन ने लीन लिए, दो इंटरनेट ने।
यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या कहने, पता नहीं इसे सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। टेक्नोलॉजी से फॉर्मेट बदला, पाखंड वही है। पहले देवी देवताओं के 16 पोस्टकार्ड लिखते थे, आजकल फोटो डाल करके 16 शेर मांगते। अपनी समस्या से संबंधित देवी देवता गूगल से डाउनलोड करो, अपनी मनोकामना लिख करके इंटरनेट पे छोड़ दो, घंटे आध घंटे में तो ऐसा वायरल होगा कि आप ही का देवी देवता नई मनोकामना के साथ आपके पास आ जाए। एक आ गई है सेल्फी, क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। कैमरे का फ्रेम दिखते ही आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं हर 10-15-20 मिनट में महिलाएं सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए। और व्यंग पर आपका आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा धोखे का संसार है। वही सुंदरियां मुझे साक्षात आमने सामने मिल गई, जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है, और आज की रात इस इतने बड़े कार्यक्रम में महनीय कवियों के बीच में मैं एक व्यंग कहना चाहता हूं, अच्छा लगे तो मुझे बताना। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया संपत भाई, वाह। तो घरों से निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करिए। एक रचना मैं सुना देता हूं। स्वागत। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जाता है, ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे और ई बैंकिंग नहीं होती, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती, फिर वो हजारों करोड़ रुपए लेकर के लोग कैसे भागते। असली चीज है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार ये कितने घटे, ईमानदारी कितनी बड़ी, सच्चाई और पारदर्शिता कितनी बड़ी। टेक्नोलॉजी की सीमाएं हैं। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तब बल्ब के कारोबारियों ने भी दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जाता है। तो बाप मानसिकता बना लें, बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे, हम छोटे छोटे गांवों से निकले और शहरों कस्बों तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है, प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। क्या बात है, क्या बात है, हमने क्या खोया, उसी की एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ, बड़ा धैर्य पूर्वक आप सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे। हालांकि मैं कोई टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, अच्छी बात है, उसके फायदे भी है। अभी ये किरण जोशी कह रहे थे, बोले देखो यार कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था मैं अमरावती में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा किरण जोशी जी अब ये संभव नहीं है क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, लेकिन कीमत क्या दे दी। पहले सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप 1,00,000 रुपए की गाड़ी पे चलते हैं, वो आनंद नहीं आता होगा जो कभी पिताजी ने 100-150 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल दिलवाई थी।
जीवन की सहजता खत्म हो गई। पहली पंक्ति से पकड़ना जो लोग उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप 7:30 बजे से बैठ रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुन ले रचना, वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आए, 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 आए। मुझे सुनकर के बता दो आप। पहली पंक्ति ही बढ़िया है। और टेक्नोलॉजी को मैंने आईना दिखाया, इस सोशल मीडिया को, तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद। हम कवि शायर लोग, आप लोग 2 पैसे देते हो, हमारे घर चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कवि सम्मेलन और शायरी हमारे लिए धंधा नहीं है, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। क्या बात, वाह वाह वाह, उजाला बना सकता है, वाह। पुराने समय के जो विरोधाभास थे, बड़ी उम्र के लोग बैठे देखे, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। आमने सामने, खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारी प्राथमिक, हमारा 50 बच्चों 3 अध्यापकों 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और इससे अच्छा व्यंग वाराणसी से अच्छा कहीं समझा नहीं जा सकता। मैं जो अगला पढ़ रहा हूँ, समझ जाओ तो मुझे तालियों से बता देना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए, बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा। जो चैनल खोलो क्रिकेट, एक दिन तो टाइम पास के लिए देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। बढ़िया। अब अपना बचपन याद करो, हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग, फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 2 जोड़ी कपड़े होते थे वो भी किसी बड़े भाई के फिट करवा लिए, एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। आज आलमारी कपड़ों से भरी है और आदमी तय नहीं कर पाता आधे घंटे तक किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। बड़ी मोहब्बत दे रहे हो, बहुत अच्छा सुन। तब देखे लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले
कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। क्या बात है, संपत का जवाब नहीं। वाह वाह वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, देखे चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। क्या कहने में बात। वो मोदी जी ने भी एक बार ही ऊंची फेंकी थी कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, पकड़ लो ढंग से तो मुझे बता भी देना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। क्या कहने। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और मोदी जी किसको सुधार देंगे, जो चीज हमारे डीएनए में घुसी है। मेरा दावा है इस बार आप अपनी तालियां रोक नहीं पाओगे, मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। व्याकरण मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूँ खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। मैं समापन की ओर बढ़ता हूँ। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो मंत्री जी, प्रधानमंत्री के मन की बात करने से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहले बार जब रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आप तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। वो नाम लिखा हुआ जो सूट है ना, वो सिलवाया ही मन की बात के लिए था। वो ये नहीं जानते कि टेलीविजन वो रेडियो भी दिखता नहीं है। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। बिना लाइसेंस के रेडियो नहीं बजा सकते थे आप। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत माला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री,
कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते और मेरे लेख की ये तीन पंक्तियां, ढाई पंक्तियां आपने साथ रखना, जीवन में बड़ी काम आएंगी। सच है, मैं समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियों से विदा करना वरना इस लेख को फिर शुरू कर दूंगा। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।